त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जो कि जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल आज जेल जाने के लिए निकले। घर में माता पिता का आशीर्वाद लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल राजघाट गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद हनुमान मंदिर गए, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन पूजन किए और इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचे अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तीन अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, घर से विदाई और माता पिता का आशीर्वाद लेकर अरविंद केजरीवाल घर से निकले, राजघाट पहुंचे, जहां पर बापू को उन्होंने नमन किया, मंदिर में पूजा अर्चना की। चलिए अब आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है, तुम्हारे पास रिकवरी तो नहीं है, तो यूं ही डाल दिया मेरे को जेल में, बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में। देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया, यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं, भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे, भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे, हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए है, मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए है, मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए है। अभी मैं अभी राजघाट गया था सभी साथियों के साथ, महात्मा गांधी की समाधि पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गांधी जी ने इस हमारे देश से तानाशाही का अंत किया था, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उसके बाद हम कनॉट प्लेस गए, हनुमान मंदिर, वहां पे हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। 4 तारीख को भी मंगलवार है, भली करेंगे बजरंग बली, करेंगे कि नहीं करेंगे, बोल बजरंग बली की, इनका नाश करेंगे, तानाशाहों का नाश करेंगे। अपने को किसी व्यक्ति विशेष से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, अपनी दुश्मनी तानाशाही से है, तानाशाही बर्दाश्त नहीं है अपने को। तो 4 तारीख को भी मंगलवार है और बजरंग बली का मेरे ऊपर, पार्टी के ऊपर बहुत आशीर्वाद है, देश के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंग बली को कि हे बजरंग बली मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने
राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा यह है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे, आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, एक राउंड में, दो राउंड में, तीन राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं, उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं, उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं, उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की, एक भी मशीन। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात